हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये इंडोर गार्डन है और आज ये इंडोर गार्डन कुछ खतरे में है, यानी कि अब इसे यहाँ से थोड़ा हटाना है। आज मैं हटाने से पहले ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इंडोर गार्डन में मैंने जो भी प्लांट लगाए हैं वो कितनी अच्छी ग्रोथ पे बने हुए हैं। अभी ये अच्छी तरह से पोर्च में सिस्टम से रखे हुए हैं, यानी एक तरफ से रखे हुए हैं। मैं इनकी केयर करती रहती हूँ और बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। इससे पहले कि ये यहाँ से हटा दिए जाएं और आने वाले समय में इनकी क्या पोजीशन होगी, उससे पहले मैं ये गार्डन आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप सभी इस प्यारे प्यारे प्लांट को देख सकते हैं जो कि मेरे पोर्च में लगे हुए हैं। ये पोर्च हमारा घर के पीछे साइड में है और मैं बता दूँ कि ये क्यों हटाए जा रहे हैं प्लांट यहाँ से, और इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इनकी ग्रोथ को देख के इतनी मोह लग रही है कि मेरा हटाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मुझे करना है वो इनके लिए ही करना है, इसलिए से आज मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्या है इस वीडियो में और क्या होना है, इसलिए से मैं इन पर आज ये वीडियो लेकर आई हुई हूँ। तो ये सब हमारी उस वीडियो में होगा जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इंडोर गार्डन में जो भी प्लांट लगाए जाते हैं वो देखने में बहुत ही शोदार प्लांट होते हैं, यानी वो पत्तों से पहचाने जाते हैं। उनके पत्ते काफ़ी हरे भरे, ग्रीन और सुंदर बने होते हैं, इसलिए से उन्हें लोग अपने इंडोर में लगाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ वो एक बहुत ही अच्छे एयर प्योरीफायर प्लांट होते हैं, जिन्हें कि हम अपने आसपास लगाते हैं तो उनसे जो भी हवा होती है वो अच्छी तरह से शुद्ध हो जाती है और वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होती है, इसलिए से हम इंडोर में कुछ प्लांट लगाते हैं। अभी अगर आप इस इंडोर में देखेंगे तो काफ़ी प्लांट रखे हुए हैं, मैं अपने प्लांट सभी दिखा रही हूं। और यहां पर ये पोर्च में लगे हुए हैं जो कि पीछे साइड में है, और कुछ पानी की प्रॉब्लम हर में यहां आ रही है और पानी ही इनका जीवन है, इसलिए से मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो मैंने सोचा है कि इन्हें जब पानी की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर क्यों ना समरसेबल की व्यवस्था कर दी जाए। तो आज कुछ ऐसा ही है और यहाँ पर इनके लिए पानी की व्यवस्था होने वाली है और यहाँ पर लगने वाला है समरसेबल, क्योंकि और भी कहीं जगह नहीं है, पूरा घर बन चुका है। और पहले जो भी मोटर या पंप जो भी हुआ था वो इसके लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ समरसेबल हो जाए तो आने वाले समय में इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल पानी तो अभी दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ गार्डन भी बड़ा हो चुका है और पानी की व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए से यहाँ पर समरसेबल होना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से सभी प्लांट हमारे रखे हुए हैं, और यहीं पर ये थोड़े से पत्थर वगैरह डैमेज होंगे, हटाए जाएंगे और साथ ही साथ सभी प्लांट भी हटाए जाएंगे और उन्हें इस साइड में यहाँ पर रखना है। और कुछ तो इसमें से ख़राब भी हो जाएंगे, कुछ डैमेज हो जाएंगे, इसलिए से मुझे इनकी बड़ी मोह लग रही है और मैं अब इन्हें यहाँ से हटाने वाली हूँ। तो बस वही है कि जैसा कि मैंने बताया, जो भी करना है इनके लिए ही करना है। और अगर हम प्लांट्स लवर हैं, प्लांट लगाने के शौकीन हैं, तो इन्हें पानी देने का भी शौक़ रखते हैं, और जैसे तैसे भी अगर हो सकेगा तो अब तक इनको दिया ही है और आगे भी देते रहेंगे। फ़िलहाल मैंने सोचा है जो वो अब इनके लिए अच्छा ही सोचा है, और जब हमारे यहाँ पोर्च में समरसेबल हो जाएगा तो हमारे यहाँ सभी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होगी। जब वो अच्छी तरह से पानी वगैरह उन्हें मिलेगा तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो देखने में कहीं खूबसूरत लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्तों वाले ये डेफनबेकियाँ हैं और ये वेरीगेटेड हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ चली है। अब इसके बारे में तो मैं फिर कभी बताऊँगी कि इसे कैसे लगाते हैं और किस तरह से इसे कई प्लांट बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पीस लिली है और पीस लिली में भी फूल आ रहे हैं। यहाँ पर एग्लोनिमा है, लिपस्टिक एग्लोमिना, प्रोटोन, तो इस तरह से सभी प्लांट रखे हुए हैं। मैं कौन से प्लांट अपने बताऊं, और फिलहाल मैं फिर कभी इस पर एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगी। तो इस तरह से सभी हमारे इंडोर प्लांट रखे हुए हैं और अब ये यहाँ से हटाए जाएंगे। यहाँ से हटाने के बाद में ये थोड़े टूटेंगे फूटेंगे, इनकी पत्तियाँ डैमेज होंगी, प्लांट डैमेज होंगे। इस तरह से ये प्लांट अब हमारे कुछ
खतरे में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, जो भी होगा वो इनके लिए ही होगा और पूरी कोशिश रहेगी कि ये अच्छे सुंदर और चमकदार इसी तरह से बने रहें। तो अभी आप देख रहे हैं ये फिलोडेंड्रॉन है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैं छोटा सा प्लांट लाई थी, अभी ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। पत्ते इसके काफ़ी खूबसूरत होते हैं जो कि ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर थोड़ी बहुत सुबह की धूप आती है और प्लांट हमारे अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं। तो इस तरह से सभी प्लांट हमारे चल रहे हैं और इन्हें हटाने से पहले, यानी यहाँ पर कुछ काम होने से पहले मैंने अपने ये प्लांट आप लोगों को दिखा दिए हैं। बाद में भी इनकी क्या ग्रोथ होती है, कैसे ये रहते हैं और कितने डैमेज होते हैं, फ़िलहाल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इन्हें सेफ्टी से रख सकूं और ये फिर दोबारा से इसी जगह पर आ सके। तो यही सब थी हमारी आज की इस वीडियो में और छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। और जब इनको मैं यहाँ पर फिर से दोबारा सेट कर लूँगी, उस समय भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो का एंड करते हुए और फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप बताइएगा कमेंट द्वारा कि जो मैंने सोचा है इनके लिए वो अच्छा सोचा है या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल यही सब थी हमारी इस वीडियो में और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।